ममता बनर्जी साहिबा जो कभी एकदम क्रांति की बेटी कहा कहलाती थी, जो कभी जो है वो कहलाती थी कि संघर्ष की का स्वरूप बनी हुई थी, आज वो उनको हो क्या गया है? आज पूरी तरह से वहां पर आतंकवाद, अलगाववाद, राष्ट्रद्रोही ताकतें, भ्रष्टाचार में लिप्त ताकतें, किस तरह से उनके हौसले बढ़े हुए हैं, किस तरह से एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, उसके बावजूद भी उन घटनाओं को करेक्ट करने के बजाय उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, इससे उनका कोई फायदा होने वाला नहीं है। आरएसएस के तो सभी लोग हैं, हम भी हैं, प्रधानमंत्री जी भी हैं, गृह मंत्री जी भी हैं, सभी लोग उसके हैं, और आरएसएस में कोई और भी हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का वो राजनीतिक एक षड्यंत्र वाला खेल कर रही हैं, जबकि ये राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। ममता जी को जवाब देना चाहिए कि उनकी सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा जिहादी आतंक कैसे बंगाल में फैला। ये जो ममता जी का कहना है, नेचुरली उनके पास उसका कोई सबूत है, इसीलिए तो वो कह रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार है, खास करके बीजेपी की सरकार और मोदी साहब और उनके साथी लोग, ये वेंजेंस की पॉलिटिक्स करते हैं और रेवेंज लेने की बात करते हैं, और इससे क्या हो रहा है कि अपोजिशन को डराने का, धमकाने का, दबाने का और उनको डर में रखने का काम वो करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं।